हेलो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डबल फर्टिलाइजेशन। हमने पहले भी थोड़ा सा इसके बारे में रीड किया था। देखो, सबसे पहले इसमें जो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो भी डबल फर्टिलाइजेशन थी, ये टर्म किसने कॉइन की थी? इट इज कॉइन्ड बाय नेवेस सेन इन 1898। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्टली एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी डबल फर्टिलाइजेशन जो टर्म थी किसने कॉइन की थी? बाय द नेवेसिन साइंटिस्ट। और कौन से प्लांट में की थी? यहाँ पर टूस ने प्लांट्स में सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, इन द लीलियम एंड इन द फर्टिलेरी फर्टिलेरिया प्लांट्स। ये दो प्लांट्स थे जिसमें जो भी डबल फर्टिलाइजेशन को कॉइन किया गया था। अब देखो, हमने लास्ट में क्या रीड किया? पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, यानी कि जैसे ही अगर उसका एक्सेप्टेंस हो जाएगा तो जो भी पोलन ग्रेन, या फिर सिंपली बोल सकते हैं पोलन ट्यूब, कौन से पार्ट में पहुंच गई थी? ओव्यूल्स वाले पोर्शन में। एक बार इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर रिमाइंड करो, दिस वन इज द एग एपर्टस, टू सिनर्जिड सेल एंड दिस वन इज द एग सेल, इन द सेंटर टू पोलन न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट एंड ऑन द चलाजल एंड थ्री एंटीपोडल सेल्स आर प्रेजेंट। अभी जो भी हमने बताया कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म एपर्टस। जैसे ही यहाँ से पोलन जो भी ट्यूब जर्मिनेट करेगी तो क्या होगा? अभी जस्ट बताया था कि जो भी जर्मिनेटिव सेल किसमें ग्रो करेगी? इन द फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब। और वेजिटेटिव सेल डिवाइड एंड फॉर्म टू मेल गैमिट। जो भी यहाँ पर टू मेल गैमिट यहाँ पर क्या हो जाएंगे? वो रिलीज हो जाएंगे। वन ऑफ द मेल गैमिट इस टाइप से हम बना सकते हैं कि जो भी एक मेल गैमिट होगा वो किसके साथ में फ्यूज कर जाएगा? यहाँ पर एग के साथ में, विच आर लोकेटेड इन द एग एपर्टस एंड इट फॉर्म जाइगोट। एंड दिस प्रोसेस इज द फ्यूजन ऑफ एग विद द मेल गैमिट इज टर्म्ड एज सिंगेमी। क्या बोलते हैं, कौन सी प्रोसेस हो जाएगी ये? सिंगेमी। जो भी अनदर, देखो जो भी वेजिटेटिव सेल थी वो दो मेल गैमिट्स में डिवाइड हो रही थी, एक एग के साथ में फ्यूज हो जाएगा। जो भी दूसरा होगा वो किसके साथ में फ्यूज हो जाएगा? यहाँ पर पोलर न्यूक्लियाई। द अदर मेल गैमिट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई एंड इट फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो क्या बना लेगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पर कितना न्यूक्लियाई का यहाँ पर फ्यूजन हो रहा है, टू पोलर न्यूक्लियाई एंड वन मेल गैमिट। सो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस हो जाती है, फिर कौन सा फ्यूजन हो जाएगा? यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, तीन न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। कौन सा होता है? ट्रिपल फ्यूजन। हेयर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फर्स्ट वन इज द सिंगेमी इन विच एग फ्यूज विद द मेल गैमिट एंड सेकंड वन इज द ट्रिपल फ्यूजन इन विच टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज विद द मेल गैमिट। कितने फ्यूजन हो गए टोटल में यहाँ पर? टू। फर्स्ट इज सिंगेमी एंड सेकंड वन इज ट्रिपल फ्यूजन। सो इस टाइप की जो भी दो प्रोसेस हो गई, तो इन फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? कैसा फर्टिलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर? डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, एग एग से क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट से फर्दर जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। अब हम यहाँ पर रीड करेंगे कि जो भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी। जो फर्स्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, दिस वन इज नोन एज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इट फ्रॉम एंडोस्पर्म। ये क्या बना लेगा? एंडोस्पर्म। और जो ऐसे ही जो भी जर्मिनेटिंग जो भी जाइगोट हो गया, सिंपली बोल सकते जो भी एम्ब्रियो हो गया, ये इसको क्या प्रोवाइड करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अब हमें यहाँ पर रीड करना है कि जो भी एम्ब्रियो थे इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी। देखो जो भी जाइगोट होगा, जाइगोट हमेशा कितने सेल्ड होता है? जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। इसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं? टू सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। अगेन इसमें डिवीजन हो जाएगा और अब की बार यहाँ पर कैसा बनेगा? देखो जो भी जाइगोट होगा, जाइगोट में अगेन डिवीजन होंगे, जो भी सेल होंगे वो डिवाइड करेंगी और यहाँ पर कैसा बन जाएगा? ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में कि जो भी एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एक्सप्लेन करो, तो कैसे करेंगे? जो भी जाइगोट की सेल थी इट डिवाइड एंड फॉर्म फर्स्ट ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद क्या होगा? जो भी ग्लोबुलर शेप्ड एम्ब्रियो में अगेन डिवीजन हो जाएगा एंड इट फॉर्म अगेन हार्ट शेप्ड। इस टाइप से इट फॉर्म अगेन हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। फर्स्ट वन इज ग्लोबुलर, सेकेंड वन इज हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। नेक्स्ट क्या होगा? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के बाद जो भी एम्ब्रियो मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, और मैच्योर एम्ब्रियो में कौन कौन से, अगेन हम इस टाइप से इसको थोड़ा सा इनको लेंथ करके इस टाइप से हमें शो करना है। इसमें कौन कौन से रीजन हो जाएंगे? दिस वन रीजन, इधर लिख रही हूँ रेडिकल,
रेडिकल प्लियोनोल, और यहाँ पर दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, कोटिलेडन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मेच्योर एम्ब्रियो फ्रॉम द रेडिकल। जैसे इसका जर्मिनेशन होगा फ्रॉम द रेडिकल, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो, रूट ग्रो, एंड फ्रॉम द प्लियोमल, विच पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रो, शूट, या फिर सिंपली वी कैन से स्टेम इज ग्रोइंग फ्रॉम द प्लियोमल। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सबसे जो मेन क्वेश्चन है, टर्म किसने कॉइन की थी, बाई नेवेस्टिन इन 1898। उसके बाद कौन से प्लांट्स में लिलियम एंड फर्टिलेरिया, टू मेल गैमेट वहां पर रिलीज होंगे, वन फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जायगोट, एंड जायगोट अगेन डिवाइड टू फॉर्म द मैच्योर एम्ब्रियो, एंड द सेकेंड मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियस टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, विच अगेन कन्वर्टेड इन टू द एंडोस्पर्म, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। थैंक यू।